अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री पंकज कुमार सिंह जी। इनसे हम जानते हैं ये रेलवे को फायदेमंद किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है HOG टेक्नोलॉजी, और उसके बारे में ये विस्तार से हमें बताते हैं। सर, इसके बारे में हमें बताइए कि यह टेक्नोलॉजी किस तरीके से रेलवे के लिए फायदेमंद है, किस तरीके से यह पर्यावरण के लिए और यात्रियों के लिए फायदेमंद है, इसके बारे में सर कुछ बताएं। रेलवे निरंतर प्रयास करती है कि अपने यात्रियों को बेहतर, तीव्रगामी, किफायती एवं संरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान कर सके। बेहतर परिवहन व्यवस्था देने के लिए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, इसके लिए रेलवे ने लगातार इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पर फोकस किया है और पूर्वोत्तर रेलवे में 75% से ज़्यादा जो नेटवर्क है इलेक्ट्रिफाई हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन के फायदे जो हुए हैं, जो उससे हमारी डीजल की बचत हो रही है, उसके साथ साथ हमने अन्य जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी वर्क किया है। जैसे उनमें से एक प्रमुख रूप से है हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो LHB रेक चलती थी उसमें 2 पावर कार लगते थे, जिससे हम लोग ट्रेनों में पंखा, बिजली और इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता था। तो डीजल जेनसेट से चलता है पावर कार, आपको मालूम होगा जी। और इसको अवॉइड करने के लिए हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी लाई गई लोकोमोटिव्स में। सभी जो कोच हमारे LHB के थे, जो पहले से कंप्लायंट नहीं थे HOG के लिए, उनको कंप्लायंट बनाया गया, इस लायक बनाया गया कि वो इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकें। इससे फायदा ये हुआ कि जो पेंटो से एनर्जी, हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, उसी से हम लोग कोचेस में बिजली की सप्लाई कर पा रहे हैं, जिससे जो पावर कार में डीजल हमारा लगता था उसकी बचत हो रही है, साथ ही एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है। और हम लोग पहले 2 पावर कार एक रेक में लगाकर चलते थे, उसके पीछे रीजन ये था कि अगर एक पावर कार कहीं खराब हो जाए तो दूसरी पावर कार से हम लोग बिजली सप्लाई कर सकें, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। तो अब HOG टेक्नोलॉजी आने के बाद हम लोग फेज वाइज एक पावर कार हटा रहे हैं और उसके स्थान पर हम लोग एक LS LRD कोच लगा रहे हैं, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी भी है और लगेज स्पेस भी है। तो इससे यात्रियों के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी है जी, जो यात्रियों की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी हम प्रोवाइड कर सकें, उस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़े हैं। और एडिशनल जहां यात्रियों के लिए सीटिंग कैपेसिटी उपलब्ध हो रही है, वहीं लगेज स्पेस भी उनको मिल रहा है जी। तो लगातार रेलवे टेक्नोलॉजी के माध्यम से एनर्जी सेविंग कर रहा है, साथ ही साथ जो डीजल पे हमारी निर्भरता थी वो कम हो रही है, पर्यावरण और अधिक संरक्षित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो 3-फेज लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक चलते हैं हमारे, उसमें हम लोगों ने एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप किया है। पहले से उस जो 3-फेज लोकोमोटिव आते हैं उसमें था जी, ये नई टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जब ब्रेकिंग होती है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिससे हमारी ऊर्जा की बचत हो रही है लगातार। इससे भी रेलवे का जहां राजस्व बच रहा है, वहीं यह व्यवस्था एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कम खर्चे में जो है काम हो जा रहा है हमारा जी। और जो हमारा परिवहन है यात्रियों के लिए वो किफायती हो रहा है, तीव्रगामी हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। तो लगातार रेलवे नई और बेहतर टेक्नोलॉजी पे कार्य कर रही है। ये HOG टेक्नोलॉजी का उपयोग कब से किया जा रहा है सर रेलवे में? आई थिंक 1 साल से ज्यादा हो गया, जब से इलेक्ट्रिफिकेशन अपने क्षेत्र में ऐसे तो इंडियन रेलवे में काफी पहले से ये हो रहा है जी, बट जो हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का क्षेत्र है, यहाँ पिछले 3 सालों में रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हुए हैं जी। और इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद जो LHB कोचेस हैं, जो LHB रेक है, उसी में HOG किया जा रहा है जी। जो हमारे LHB रेक्स हैं, उनको पहले जो पुराने LHB कोचेस थे उसमें वो कोचेस HOG के लिए कंप्लायंट नहीं थे जी। उसके लिए हम लोगों ने एक एजेंसी हायर करके पहले उन कोचेस को इस लायक बनाया कि वो HOG के साथ चल सके, और उसके बाद से जो है लगातार HOG पे हमारी ट्रेनें चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के।